बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद हबीब पालारी, लेक्चरर इन जूलॉजी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है वो दो वर्ड से निकला है। एक है कार्बो, इट मीन कार्बन, दूसरा है हाइड्रेट, इट मीन वाटर। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बायो मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट होता है कार्बन्स पे, हाइड्रोजन पे एंड ऑक्सीजन एटम्स पे। इस कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला जो है वो है CH2O। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के हम एग्जांपल देखेंगे तो वो है ट्रायोज, टेट्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, स्टार्च, सेल्युलोज एंड ग्लाइकोजन। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि वो सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अगर सिंपल होते हैं तो वो ट्रायोज होते हैं, टेट्रोज होते हैं और ग्लूकोज होते हैं, लास्ट वन फ्रक्टोज होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो वो स्टार्च होते हैं और ग्लाइकोजन होते हैं एंड सेल्यूलोज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड फंजाई में। हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। जो कार्बोहाइड्रेट वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, वो निकला है कहाँ से, सेक्राइड से। सेक्राइड जो वर्ड है वो खुद निकला है सेक्रॉन से। सेक्रॉन का मतलब शुगर। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन जो है वो फोर कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो है वो है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक शुगर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर भी कहते हैं इसको। ये सॉल्युबल इन वाटर भी होती है और ये स्वीट इन टेस्ट भी होती है। हम इसको सिंपल शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम ज़्यादा सिंपल शुगर में तोड़ नहीं सकते। अगर हम इसके एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड देखेंगे तो ये 3 to 7 कार्बन एटम्स की बनी होती है। ये इसके एग्जांपल हैं ट्रायोज, टेट्रोज, हेक्सोज एंड पेंटोज। हेक्सोज जो होते हैं वो 3 इसके एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं एंड ग्लेक्टोज हैं। उसके बाद सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 शुगर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर ये माल्टोज बनाते हैं एंड ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर ये सक्रोज बनाते हैं। थर्ड, ये ग्लूकोज ग्लेक्टोज मिलकर ये लेक्टोज बनाते हैं। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन है ओलिगो सेक्राइड। ओलिगो सेक्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओलिगो मीन्स फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स। ये जो होते हैं 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होते हैं। ये लेस स्वीट इन टेस्ट होती है मोनोसेक्राइड से और ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। थर्ड, ये हाइड्रोलाइज्ड हो सकती है 2 में, 2 मोनोसेक्राइड जिसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं, 3 मोनोसेक्राइड जिसे हम ट्राइसेक्राइड कहते हैं। जितने भी डाइसेक्राइड हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो कि है मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल से ऊपर हो, ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। ये पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। थर्ड, ये कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, ये और सिंपल शुगर में टूट सकती है। अगर इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो 3 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है स्टार्च, सेकेंड है ग्लाइकोजन एंड थर्ड है सेल्यूलोज। तो फर्स्ट इसकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है ये कैसे बनता है, ये ग्लूकोज की एक लीनियर चेन बन के ये बनाते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है, ये एक रिजर्व फूड है किसका, प्लांट्स का। और ये स्टार्च जो प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, लीव्स में होते हैं, सीड में होते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि राइस, सेकेंड पोटेटोस एंड थर्ड वीट। इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसको हम रिजर्व फूड कहते हैं एनिमल्स का, और इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये स्टोर होते हैं लिवर एंड मसल्स में होते हैं। ये मेंटेन करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इसकी लास्ट क्लासिफिकेशन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो हो वो मेन कंपोनेंट ये है प्लांट की सेल वाल का। ये सेलुलर जो होते हैं ये ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं करते, पर इसको हम एज अ डाइट फाइबर की तौर लेते हैं।
फाइबर क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। और ये सेल्यूलोज जो होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, कार्बोहाइड्रेट, और ये कंसिस्टेड 3000 मालिकुल्स ग्लूकोज यूनिट्स पे होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।